तो फ्रेंड आप मशीन देख सकते हो, इसका जो स्कैनर है फ्रेंड, इसका स्कैनर भी एकदम परफेक्ट तरीके से स्कैन करता है। अगर आप कोई चीज़ को स्कैन करने को रख रहे हो, आप इस पर क्लिक करते हो स्कैन करने के लिए, आपको क्लिक करना है कॉपी के लिए और आपको जस्ट कॉपी इस पर प्रिंट क्लिक करना है स्टार्ट पे। और फ्रेंड आप देख सकते हो यहाँ स्टार्ट हो गया है कॉपी करना। तो आप यहाँ देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ कॉपी आ चुका है, प्रिंट हो गया। तो फ्रेंड इसकी जो क्वालिटी आप देख सकते हो एकदम बढ़िया तरीके से, और इसकी स्पीड भी आपने देख लिया है। तो इस तरीके से अगर आप भी कोई भी मशीन को यूज़ करना चाहते हो फ्रेंड, इसमें आप आईडी कार्ड की प्रिंट कर सकते हो। आपको आईडी का इस ऑप्शन को प्रेस करना है। आईडी के इस ऑप्शन को प्रेस करने के बाद आप आईडी का फ्रंट एंड बैक साइड भी कॉपी कर सकते हो। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना आईडी फर्स्ट फ्रंट साइड इधर रखना है, फिर आपको यहाँ स्कैन पे कॉपी करना है। तो आप यहाँ देखते हैं स्कैन होना शुरू हो चुका है। तो स्कैन होने के बाद फ्रेंड आपको वापस इसको पलटी करना है आपके आईडी को, और वापस आपको यहाँ प्रेस पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड आपके जो सेकंड साइड होगा आईडी का, वो कॉपी हो जाएगा और उसके बाद आपके सामने प्रिंट। तो आप देख सकते हो फ्रेंड पेपर आ चुका है आईडी का फ्रंट एंड बैक साइड कॉपी।